सरकार की योजनाओं से जुड़े 90 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीपीई किट, थर्मल स्कैनर और N95 मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थी निःशुल्क इलाज भी करा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने अस्पतालों की सूची भी तैयार कर ली है। आपको बता दें, जिले में 100 निजी अस्पताल सरकार की दो योजनाओं से जुड़े हुए हैं। इनमें आयुष्मान भारत योजना के 62 व हौसला साझेदारी मिशन से 38 अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में 10 ऐसे भी हैं जो दोनों योजनाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 90 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। विभाग इन अस्पतालों में 2000 पीपीई किट, 1000 N95 मास्क, 500 थर्मल स्कैनर देगा। अस्पतालों में इलाज के दौरान डॉक्टर इसका उपयोग कर सकेंगे। आयुष्मान योजना और हौसला साझेदारी मिशन से जुड़े 90 अस्पतालों को विभाग की ओर से निःशुल्क पीपीई किट, थर्मल स्कैनर और N95 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थी निःशुल्क इलाज भी करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा है। हम लोगों ने सभी हॉस्पिटल्स को अब ये प्लानिंग की है शुरू करने की कि वो इमरजेंसी सेवाएं लोगों को दें। अगर इलेक्टिव सर्जरी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम उन्हें परमिशन दे रहे हैं। काफ़ी अस्पतालों को हम लोगों ने परमिशन दे दिया है, जिसमें विशेषज्ञता के अस्पताल भी हैं, न्यूरो के भी हैं, यूरो के भी हैं। इन सब अस्पतालों के लिए सारे मानक पालन करते हुए इमरजेंसी सेवाएं खोल दी गई हैं। शासन स्तर पर हमें निर्देश हुआ है कि हमारे जो आयुष्मान में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, हमारे हौसला साझेदारी में इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल हैं, उनको कुछ पीपीई किट, थर्मल स्कैनर और N95 मास्क शासन स्तर से हमें प्राप्त होगा और हम उन्हें दें। तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां सुविधाएं भी अच्छी हैं, आयुष्मान में अच्छा कार्य कर रहे हैं और हौसला साझेदारी में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, या अन्य ऐसे अस्पताल भी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें किसी तरह की इन सामानों से दिक्कत आ रही है, तो उनको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ दे दिया जाए। एक और व्यवस्था दी गई है कि जो हमारे आयुष्मान भारत में इम्पैनल हॉस्पिटल हैं, वो GMDIC के यहाँ से 50% कंसेशन पे ये PPE किट ख़रीद सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये सुविधा दी जा रही है, जिससे कि अपने अपने स्टाफ का प्रोटेक्शन करते हुए हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सिंग होम्स ये सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं, एसेंशियल सर्विसेज इन दोनों को दे सकें और हमारा कोई भी नर्सिंग होम का डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ इसकी चपेट, कोरोना की चपेट में ना आए और जनता को लाभ मिल सके। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सब कुछ ट्रेनिंग में बताया जा चुका है, उनके बहुत सारे पैरामेडिकल्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे के सारी चीज़ें बता दी है कि कोविड के मरीज़ को या जनरल मरीज़ को या इमरजेंसी मरीज़ को देखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन से अटायर्स पहनने हैं, किस डेस्क पर किसको क्या पहनना है। हर एक को PPE ही नहीं पहनना है, लेकिन जिसको पहनना है वो अवश्य पहने, अन्यथा हो सकता है कि हमारा कोई पैरामेडिकल स्टाफ, प्राइवेट डॉक्टर्स या हमारे अपने डॉक्टर्स वो कोरोना के चपेट में आ जाएं। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, सेवा करनी ही है तो उस पर सावधानी पूर्वक करेंगे तो मरीज़ का भी भला होगा और हमारा कोई कार्मिक भी उसकी चपेट में या मेडिकल इन्फेक्शन कतई नहीं फैलेगा।